अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम सुनने वाले हैं कुक स्टूडियो सीजन 14 का एक और सॉन्ग जिसका टाइटल है ये दुनिया, और इसमें है काराकुरम, तला अंजुम और फारिस शफी। तो तला अंजुम है तो ऑब्वियसली उसमें रैप होगा, और इन्होंने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पकड़ लिया है सभी गानों को। हाँ, जितने भी गाने आ रहे हैं अभी तक हमने जितने भी सुने हैं सब में तला अंजुम का होना ऐसा कंपलसरी हो गया जैसे लिरिक्स। हाँ, अगर रैप के लिए अगर हम बात करें तो, और फारिस शफी जो है वो किस तरह का गाना गाएंगे इसमें, तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। लेट्स बिगिन। कुक स्टूडियो, कुक स्टूडियो सीजन 14। फरहान अख्तर की तरह नहीं लग रही, थोड़ी थोड़ी आवाज हल्की, आवाज मैच हो रही है। कलांजो बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही, दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। बलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर, खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी, बस किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी। बस वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ से अब गर्द उठे। जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर, फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है। एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर, कहा तो ना, माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर, गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल, मैं किस्मत झुकताई, कैसे किस्मत खुल आई। Give a bash at the bad, the demolition mad, the mirror instinct animalistic, mad magician, yeah, mathematician, I never take second position, I'm getting ballistic, cataclysmic, billabulously, likhu meticulously, love's mere medicinal se, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se, rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kab se, baatein pakki, baatein kacche, I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone, tucking the sharif up knee off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend you can call my phone, cause you are not alone. Oh, the line didn't take you, you know, you are not alone. You are not alone. Yep. ये क्या है? शहरों में घूमूं बेवजह, सब कुछ मैं कह दूं, दिल में है क्या, सब कुछ मैं कह दूं बेवजह, सब कुछ मैं कह दूं। चेहरे बदलते रहे, हम इसी शहर में चलते रहे, सब कुछ मैं कह दूं, वीरान मेरा और हम अकेले ही जलते रहे, भले ये शाम अब दिन चले, चलो रोशनी की सिर्फ चले, अभी रात पे यकीन मेरा, अजाई मुझे ये अजीम करे, हकीम है कलम अलील के लिए, कहने को तेरे रफीक तो है, फिर पीठ पीछे क्यों ये हरीफ बने, अजीब ये चेहरे बदलते जाएंगे, ये चलती जाएगी, चलती जाएगी ये खतरनाक है। कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है, 'cause you are not alone.
जो लास्ट मोमेंट था ना, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए उसको सुन के। देखने में ये रॉक सॉन्ग लग रहा है, बट अगर हम इसके खतरनाक ये कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है। ब्यूटीफुल रॉक सॉन्ग ही लग रहा है वो, उनके मैजिक एंड इट इज अ रियल मैजिक। एग्जैक्टली इट इज अ रियल मैजिक। कोई अगर इसके लिरिक्स नहीं सुनेगा ना ध्यान से तो उसे लगेगा कि हाँ ये रॉक सॉन्ग है, बट अगर हम इसके लिरिक्स पर ध्यान दें तो ये एक ऐसा सॉन्ग है जो हमें दुनिया से रूबरू करवा रहा है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, वो चेहरे कैसे बदलते हैं, लेकिन फिर भी किसी के रुकने से दुनिया तो नहीं रुकती। और इसकी जो लिरिक्स हैं, साफ सीधी बात है, उसमें ये बताया गया है कि कोई नहीं है तेरे साथ तो तेरे साथ खुदा है। एग्जैक्टली यहाँ तक के गाने को भी आपने एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना, नगमा बना देना, उसमें अच्छी अच्छी बातें डाल देना। मैं सीख देने के लिए ये बहुत अच्छा, हम जो कहें खास करके मैंने जो ये देखा कि जब इनकी शुरुआत हुई गाने की, जो इन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट बना रखा था, वहाँ पे वायलिन बजा रहे हैं लोग, एक वाइट बैकग्राउंड है, फिर जहाँ ये खड़े थे स्टेज पे, और वो ऐसा था कि उसमें से लाइट्स वगैरह निकल रही थी, मतलब एक टेक्नोलॉजिकल टाइप ऑफ बैकग्राउंड नहीं होता कुछ वैसा, वो था, बहुत अट्रैक्टिव था। और वो चीज़ें हमें हॉलीवुड के जो गाने होते थे लिंकिन पार्क के और इन सब चीज़ों के, स्लिप नॉट के, उनमें देखने को मिलती थी वो चीज़ें, उनका कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक होता था, और इनके गानों में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हाँ, और एक तरफ तो रैप कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल ऐसे रॉक बैंड, साथ में वायलिन भी है, और एक तरफ वो सैड सॉन्ग चल रहा है। हाँ, उसी में वो सैड सॉन्ग, उन्होंने कैसे उसको मिक्सअप करा है, शब्द एक तरीके से ऐसे निकाल करके आना कि साथ में रैप भी है, लिरिक्स का जो सीधा सीधा रोल है वो भी है, लेकिन उसमें एक सैड फील भी है। हाँ। साथ में एक सैड फीलिंग के साथ रॉक को रिप्रेजेंट करना। तला को हम समझते थे कि ये मतलब उर्दू रैप के बहुत ही बड़े बादशाह हैं, बट अभी हमने जो देखा फारिस शफी को, आई गेस वो फारिस शफी ही उनका नाम होगा जिन्होंने रैप किया, वो बहुत जबरदस्त था, बहुत ही जबरदस्त, हमने उनको आज पहली बार सुना। और ये साल जहाँ तक अभी शुरू हुआ है, और हमने जितना तला अंजुम को हम सुन चुके हैं, हमने पिछले साल भी इतना नहीं सुना था जितना हम एक डेढ़ महीने में तला अंजुम को सुन चुके हैं। हाँ। तो ये साल लगभग लग ही रहा है कि रैपर्स के लिए, और तला अंजुम और फारिस शफी जैसे जो रैपर्स हैं उनके लिए लिख दिया गया है, पूरा साल उन्हीं के लिए है। बिल्कुल, अगर हम लोग गलत बता रहे हों कि वो फारिस शफी नहीं, कोई और है, हो सकता है उनका नाम कुछ और हो, तो आप लोग बता सकते हैं, वैसे हमें तो लगता है वही होंगे। उसके अलावा इतने सारे रैपर्स के नाम आप लोग हमें बताते हैं कि इनका रैप भी ज़रूर सुनिएगा, कॉमेंट्स में सब हमें रिकमेंड करते हैं, हम उनको भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। बहुत मज़ा आता है जब हम उर्दू में रैप सुनते हैं, हमें बहुत उसकी फीलिंग ही अलग होती है, अलग ही फीलिंग। एग्जैक्टली, उर्दू की तो फीलिंग ही अलग होती है अगर उर्दू में कुछ हम सुनते हैं तो। सो गाइज, ये था आज का हमारा रिएक्शन, आई होप आप लोगों को मज़ा आया, हमें तो बहुत बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमने रॉक सॉन्ग को प्लस सैड सॉन्ग इमोशन के साथ सुना है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो हमने यहाँ पर देखा है कोक स्टूडियो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट की है, कोक स्टूडियो ने इतना अच्छा सॉन्ग बनाया है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।